कांग्रेस अपने दम पर तो क्या, अपने गठबंधन के दम पर भी देश का चुनाव नहीं जीत पा रही है। इसीलिए अब वो चाहती है कि देश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, एक उत्तर और एक दक्षिण, दो देश बन जाए, मतलब कि देश को तोड़ दिया जाए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई और सांसद डीके सुरेश के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई और उसने कांग्रेस को देश तोड़ने वाला कह डाला। असल में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश ने पक्षपाती बताया। केंद्र पर दक्षिण भारतीय राज्यों को धन जारी नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने धमकी दी कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो एक अलग देश की मांग उठाई जाएगी। डीके सुरेश ने यह बयान बजट 2024 की आलोचना करते हुए संसद भवन के बाहर दिया। अलगाववाद को बढ़ावा देते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों का पैसा उत्तर भारतीय राज्यों को दिया जा रहा है और उन पर हिंदी थोपी जा रही है। सुरेश ने कहा कि केंद्र दक्षिण भारतीय राज्यों को जीएसटी और प्रत्यक्ष करों का उचित हिस्सा नहीं दे रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी राज्यों से इकट्ठा किया गया पैसा उत्तर भारतीय राज्यों हिंदी बेल्ट को दिया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अलग देश की मांग करने पर मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि अगर हम देखें कि देश के विभिन्न राज्यों में पैसा कैसे वितरित किया जाता है तो स्पष्ट है कि हमारे राज्य का धन उत्तरी राज्यों में भेजा जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि विभिन्न राज्यों को धन का वर्तमान वितरण सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान नहीं मिला। इसे चुनावी बजट बताते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनावी बजट है। इससे पहले तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने भी कुछ इसी तरह की धमकी दी थी। डीएमके के सांसद ए राजा ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को और अधिकार दे, वरना अलग स्टेज अलग राष्ट्र के लिए लड़ाई होगी। डीएमके सांसद ने कहा कि मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से विनम्रता से कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री अन्ना पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के संस्थापक के रास्ते पर चल रहे हैं। हमें पीरियार के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर ना करें, हमें अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर मत कीजिए। डीके सुरेश के इस बयान पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने निशाना साधा। सूर्या ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास फूट डालो और राज करो का रहा है, उसी तरह डीके सुरेश भी उत्तर और दक्षिण राज्य के बीच विभाजन चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी सूर्या ने लिखा कि एक ओर उनके नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे पास एक सांसद है जो देश को तोड़ने पर आमादा है। कांग्रेस का विचार फूट डालो और राज करो का है। कन्नड़वासी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम उन्हें लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।